पंचायत दवा बनने के लिए यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उत्तराखंड को पहली ट्रेन मिलने जा रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसके लिए यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां हो गई है। और यहाँ पर जो मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि सभी पहुंच चुके हैं, केंद्रीय रेल मंत्री है और समय CM भी है और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी यहाँ मौजूद है। यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, लगातार भाजपा कार्यकर्ता है यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर मौजूद है, नारेबाजी कर रहे हैं और वंदे भारत एक्सप्रेस की उपलब्धियां अपने बताने में लगे हुए हैं। यहाँ लगातार क्या हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर कार्यक्रम की पूरी तैयारी होने के बाद यहाँ चल रहा है। और यहाँ पर जो दिखाना चाहेंगे कितनी ये जो ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरीके से यहाँ पर हाईटेक तरीके से इसको स्थापित किया गया है और हाईटेक तरीके से इसको इसमें कई प्रकार की जो है ये व्यवस्थाएं की गई है, जिसकी यात्रियों को जो यात्रा है यात्रियों की जो यात्रा है वो सुगम और व्यवस्थित तरीके से की जाए। आप ही बताने जाए कुछ ही पलों में यहाँ से रवाना होगी और यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून से रवाना होकर और दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन तक जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर से वहाँ से वापसी भी है। लगातार इसके रेलवे स्टेशनों पर कई जगह ठहराव है और कई जगह यहाँ पर ठहराव के जगह जगह उनका स्वागत भी समारोह आयोजित किया जा रहा है और जिसमें हजारों तादाद में लोग पहुंच रहे हैं स्टेशनों पर। और यहाँ पर लगातार यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर सभी कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है लोगों में। तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होने शुरू होने के बाद लगातार लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं मुन्ना अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात देते हुए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को आज देहरादून से दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल के बीच वर्चुअल माध्यम से वंदे भारत एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। वहीं देहरादून रेलवे स्टेशन पर आयोजित वंदे भारत एक्सप्रेस कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। देहरादून आनंद विहार टर्मिनल के बीच संचालित हुई वंदे भारत एक्सप्रेस में कई प्रकार की हाईटेक व्यवस्था है, जिससे यात्रियों को आरामदायक एवं सुखद यात्रा की जा सके। वहीं इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड और देश की राजधानी को जोड़ने वाली यह पहली वंदे भारत ट्रेन है, जबकि उत्तर रेलवे की ओर से संचालित होने वाली यह चौथी वंदे भारत ट्रेन होगी। अब तक देश में कुल 17 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। गुरुवार को देश की 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वर्चुअली रूप से किया। रेलवे की तरफ से दो जगह से जोड़ा गया है, एक आपका ये हरिद्वार और देहरादून ऋषिकेश वाला एरिया है और दूसरा एरिया हल्द्वानी साइड से होता है जो गरीबी से हल्द्वानी जाती है। तो इस एरिया के लोगों के लिए वंदे भारत ट्रेन हम चला दी है। उसी तरीके से जिस तरीके से देहरादून हमारा टर्मिनल स्टेशन है, वैसे ही नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के तहत जो आजत नगर डिवीजन है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्मिनल है हल्द्वानी। हल्द्वानी तक हम ट्रेन वहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट करते हैं, तो उस एरिया के लोगों को जोड़ने के लिए भविष्य में हम ट्रेन चला सकते हैं जल्दी। इस ट्रेन जो चल रही है उसमें जो है शेड्यूल उसका यह है कि देहरादून से ये आनंद विहार टर्मिनल जाएगी, जो दिल्ली का एक टर्मिनल है दिल्ली NCR का, और ये सुबह 7 बजे देहरादून से स्टार्ट करके 11:50 पर पहुँच जाएगी आनंद विहार टर्मिनल। और इसमें 5 स्टेशनों की स्टॉपेज है, देहरादून से स्टार्ट करके हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मेरठ और बीना। वहाँ से कब चलेगी? 17:50 उसका डिपार्चर टाइम है और देहरादून में वापस 22:35 पर पहुँचे। इसका किराया क्या है सर? इन टू इन आनंद विहार टर्मिनल से देहरादून 1860 रुपये। ठीक है सर, प्रधानमंत्री जी ने रेलवे में ट्रांसफॉर्मेशन किया, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है मोदी जी ने। देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन का 60 साल में 30,000 किलोमीटर, 9 साल में 40,000 किलोमीटर, बहुत बड़ा परिवर्तन है। हर तरीके से स्टेशन साफ चाहिए, साफ सुथरे, आजकल कहीं भी जाइए आप साफ सुथरे स्टेशन, ट्रेन्स की पंक्चुअलिटी, नई टेक्नोलॉजी, कवच टेक्नोलॉजी, हर पैरामीटर पे मोदी जी रेलवे का अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, 800 करोड़ लोग यात्रा करते हैं, मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम, लोअर इनकम, इन परिवारों के लिए रेलवे सबसे बड़ा साधन है। इसने लो कॉस्ट पे अफोर्डेबल अच्छी क्वालिटी की जाए पहली वंदे भारत है, इसके बाद में भी और ट्रेन आएगी उत्तराखंड में, नई वंदे भारत वर्ल्ड क्लास ट्रेन है। आप लोग सफ़र कर रहे हैं, आपने देखा इसका ट्रेवल का एक्सपीरियंस, देखा कई तरीके इसमें नए नए इन्वेंशन किए गए, उसमें से एक है और विशेष जो शायद आपकी जानकारी में अब तक नहीं आया हो, इसके एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एंटीवायरस इक्विपमेंट लगा हुआ है, एंटीवायरस डिवाइस लगा हुआ है।
यानी जो भी एयर कंडीशनर टूट जाती है उसमें सारे वायरस फिनिश हो जाते हैं और वापस जो हवा आती है वो क्लीन आती है। अच्छी वर्ल्ड क्लास टॉयलेट्स, अच्छी सीट्स, ट्रैवल एक्सपीरियंस एकदम नया, एकदम ही जो वर्ल्ड क्लास के पैरामीटर्स होते हैं, वर्ल्ड क्लास ट्रेन के सब पैरामीटर्स पे वंदे भारत खड़ी होती है। बहुत खुशी की बात है कि देवभूमि चार धाम की इस पवित्र भूमि में वंदे भारत आ जाए। अभी ट्रेन फॉरेस्ट के कारण 4:30 बजे आएगी, लेकिन मनोमंत्री के साथ बात कर रहे हैं हम लोग कि जल्दी से जल्दी ट्रैक अपग्रेडेशन में और फॉरेस्ट के कुछ और परमिशन मिल जाए, तो उसके बाद में 3.5 घंटे 1.25 घंटे